हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। बजट 2023-24 में महिलाओं को बड़ी सौगात, शुरू होगी महिला सम्मान बचत पत्र योजना। खबर है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 पेश किया। वित्त मंत्री ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इससे महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए की जाएगी। बजट 2023-24 में 5G सेवा के लिए बड़ा ऐलान, बनाई जाएगी 100 लेबोरेटरी। खबर है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार देश भर में 5G एप्स के लिए 100 लैब्स बनाएगी। इन लैब्स में 5G सेवाओं के ऐप विकसित किए जाएंगे। बता दें कि इन लैब्स का इस्तेमाल छात्रों को ट्रेन करने, इनोवेशन और रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेटर के तौर पर किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, इस बार का बजट टिकाऊ भविष्य की नींव है, हर वर्ग को लाभ पहुंचेगा। पीएम मोदी ने बजट 2023-24 को लेकर अपने संबोधन में कहा कि इस बार के बजट में समाज के हर वर्ग पर खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह टिकाऊ भविष्य का बजट है, आने वाले समय में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, जिससे आकांक्षाओं से भरे हुए लोगों के सपनों को नई उड़ान मिल सकेगी। कोरोना को लेकर फिर से सख्त हुआ चीन, PCR टेस्ट किया अनिवार्य। खबर है कि कोरोना को लेकर एक बार फिर से चीन ने सख्ती शुरू कर दी है। चीन ने दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए COVID-19 टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इस पर दक्षिण कोरिया ने चिंता जताई है। आपको बता दें कि चीन ने कुछ दिनों पहले ही PCR टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। बजट 2023-24 में निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, अब विदेशों से कार खरीदना होगा महंगा। खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 का बजट पेश किया है। विदेशों से आने वाली लग्जरी कारों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। कस्टम ड्यूटी को 60% बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। आसान भाषा में अगर कहें तो भारत में विदेशों से आने वाली कारों की कीमत अब 10% तक बढ़ जाएगी। पीएम मोदी को जो बाइडेन ने अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए किया आमंत्रित। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। सूत्रों के अनुसार जून या जुलाई में पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं और इसके साथ ही इस दौरान वहां पर अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित कर सकते हैं। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा, कर्ज लेकर घी पी रही है सरकार, हरियाणा पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। खबर है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने कम समय में ही प्रदेश को कर्जवान बना दिया है। हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, ये तो वही बात हो गई कि कर्ज लेकर घी पिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।